बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। आपको आज की खबर से अपडेट करूँगा मैं। एक खबर क्या है जी कि सऊदी अरबिया से अगर हम सफ़र करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह का, या किसी भी कंट्री के लिए, मैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले भाइयों की बात करूँगा ना, क्योंकि उर्दू पंजाबी यार असी जानते हैं, और कौन जानता है। मिस्री ने तो मेरी गल समझ ली नहीं, आप लोग ही समझेंगे। तो बात यह है कि अभी सऊदी अरब से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं अभी या एक माह दो माह बाद भी, तो आपको न्यू जो सफरी पाबंदी है यहाँ पर मुतारफ लागू कर दी गई हैं आज से इनके ऊपर। यानी कि वीडियो शायद मैं आपके साथ कुछ दिन बाद में शेयर कर रहा हूँ, एक दो दिन बाद में, लेकिन एक दो दिन पहले की ये पाबंदियाँ सऊदी अरब में 10 फरवरी 11 फरवरी से लागू हो चुकी हैं जी। शायद इससे भी दो चार दिन पहले से लागू हो चुकी हों। बहरहाल बात यह है कि आप अगर यहाँ से सफ़र करना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लिए, आपको भाई पहले क्या होता था आपको पता है जी, मैंने PCR टेस्ट करवाना है 48 घंटे पहले का होना चाहिए, इससे लेट होगा। अगर 48 घंटे एक मिनट का भी हो गया तो आपका वो कैंसिल, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, उतनी देर में आपकी फ्लाइट्स भी निकल जाएगी, मुश्किल बन जाएगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। तो PCR टेस्ट आपने भाई जाने से 12-14 घंटे 15 घंटे पहले करवाना है, ठीक है। वो जाने की यानी कि आप 8 बजे फ्लाइट है आपको सुबह, तो आपको शाम को मिल जाए, इसी हिसाब से 12-14 घंटे या 20 घंटे पहले का हो, ठीक है। 48 घंटे पे इसको उसका टाइम है। उसके अलावा आपका तवक्कल नामा स्टेटस अम्यून हो, लेकिन अभी क्या है भाई, आपने दो डोज ली हुई हैं फिर भी अम्यून है, 8 महीने तक अम्यून ही रहेगा। 8 महीने तक अगर आप तीसरी डोज नहीं लेते हैं तो फिर आपका स्टेटस अम्यून नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपको भाई सफ़र करने के लिए यहाँ से सऊदी अरबिया से तीसरी खुराक लाजम है। जिन बंदों ने वैक्सीन की तीनों खुराक ली होगी, यानी कि बूस्टर शॉट भी लगवाई होगी, वही सफ़र कर सकेंगे यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लिए। जिन बंदों ने दो खुराक ली हुई हैं, तवक्कल ना चाहे अम्यून ही हो, वो भाई यहाँ से अभी सफरी यानी कि हवाई जहाज़ के थ्रू वगैरह बहरी जहाज़ के थ्रू नहीं जा सकते हैं। बूस्टर डोज लाजम है जी, आपको लाजम अभी लगवानी होगी। हाँ, पाकिस्तान वगैरह या इंडिया या बांग्लादेश में पहुँच कर वहाँ के जो कानून हैं वो इसके भी अलहदा हैं, यानी कि पाकिस्तान में रैपिड PCR टेस्ट वगैरह जो भी मामला था वो इसके अलहदा है, लेकिन ये सऊदी अरब के कानून है जिनसे मैंने आपको अपडेट किया है।